सानिया यूनिवर्सिटी में ये फेस्टिवल मनाने का कुछ लोग एक षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं उस षड्यंत्र को नाकाम करके ही रहूंगा और जो बीफ फेस्टिवल जो 810 तारीख को जो मनाने का जो ये लोग प्लान करे हैं उसको हम किसी भी हाल में रोक कर बताएंगे। और ये बीफ फेस्टिवल को रोकने के लिए जितने भी तेलंगाना के जितने भी जो हिंदूवादी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी जो एनजीओज है, और सिर्फ तेलंगाना से नहीं दूसरे राज्यों से भी बहुत सारे नौजवान ये बीफ फेस्टिवल को रोकने के लिए आने वाले हैं। मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सभी विद्यार्थियों से यह विनती करना चाहता हूं कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी एक शिक्षा का मंदिर है, उस मंदिर को बदनाम ना करें और उस पवित्र मंदिर में बीफ जैसे फेस्टिवल लगाकर उस्मानिया यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम ना करें, क्योंकि उस्मानिया यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर IAS IPS कई ऐसे ऑफिसर्स निकले सो उस्मानिया यूनिवर्सिटी सिर्फ भारत से नहीं दूसरे देशों से भी आकर पढ़ते हैं, वैसा उस्मानिया यूनिवर्सिटी है। ऐसे पवित्र यूनिवर्सिटी में बीफ फेस्टिवल जैसे अगर कार्यक्रम अगर बनाएंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो उसका जिम्मेदार सरकार रहेंगी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी KCR साहब का भी ये कर्तव्य बनता है इस तरह से अगर कोई भी फेस्टिवल अगर लगाता है तो उसकी रोकने की जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन एवं सरकार की बनती है। साथ ही साथ हमारे किशन रेड्डी साहब ने एक बहुत ही गंदा स्टेटमेंट दिया है कि बीफ मांस हो या कोई भी मांस हो कोई भी खा सकते हैं। मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप हिंदू है तो जो आपने स्टेटमेंट दिया है उसको आप वापस लें, क्योंकि आपकी वजह से हर वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सर नीचे हो गिर जाता है। कल एक प्रेस मीट में जब मैं बैठा था तो एक आदमी ने मुझसे क्वेश्चन करा कि आपका किशन रेड्डी बीफ मांस खाओ बोला तो आप रोकने वाले कौन होते हैं, तो मेरे पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी जो गौ भक्त है, जितने भी जो धर्म प्रेमी है, हमारे किशन रेड्डी साहब आप उनसे सबसे माफी मांगिए और अपने जो लफ्ज आपने कहे हैं उसको आप वापस लीजिए, नहीं तो आने वाले समय में इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और साथ ही साथ आज तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की जो बुरी स्थिति है उसका कारण भी किशन रेड्डी साहब है। आज बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने में आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे डॉक्टर लक्ष्मण साहब है, NVS प्रभाकर जी है, चिंतला रामाचंद्र रेड्डी जी है, इनके मन में कूट कूट कर भारतीय जनता पार्टी को डेवलपमेंट करने की ऐसी भावना है, लेकिन किसी को आगे बढ़ने नहीं देना ऐसी हमारे किशन रेड्डी साहब की पुरानी आदत है। आज ऐसे कई सीनियर नेताएं हैं जो सिर्फ वहां कई सालों से उनका जीवन गुजार है लेकिन आज बीजेपी डेवलपमेंट नहीं हुई, उसका कारण सिर्फ हमारे किशन रेड्डी साहब है। मैं हमारे नरेंद्र मोदी जी को, हमारे अमित शाह जी को भी मैं लेटर फॉरवर्ड कर दिया हूं कि तेलंगाना में अगर आप बीजेपी को डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो पहले इमीडिएट किशन रेड्डी साहब को चेंज करें और एक अच्छे अध्यक्ष को बिठाइए, क्योंकि एक से बढ़कर एक भारतीय जनता पार्टी एक से बढ़कर एक जिन्होंने अपना सारा जीवन भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। तुरंत अगर अध्यक्ष बदलेगा तो बीजेपी बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हो सकती है तेलंगाना राज्य में। साथ ही साथ जो आने वाली 10 तारीख को जो बीफ फेस्टिवल जो मनाने का जो षड्यंत्र रचा गया है उसको तुरंत रोका जाए, नहीं तो हम हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में OU में हम पधारने वाले हैं और हम देखेंगे कि कैसा बीफ फेस्टिवल तुम लोग मनाते हैं। हमारी ताकत हम आपको बता